Welcome back to my channel and we have Barkha Vyas again over here. So I think आप लोगों ने guess कर लिया होगा by title and her look right now कि आज मैं Barkha Vyas के ऊपर साड़ी drape करने जा रही हूँ. So I have to give you a background that Barkha hates साड़ी and she always feels she can't carry a साड़ी. उसको लगता है वो बहुत पतली है और उसकी body पे साड़ी अच्छी नहीं लगेगी. तो it's not only for Barkha. इट्स फॉर माई एंटायर ऑडियंस जिनको ये कॉन्फिडेंट नहीं है कि उनकी बॉडी पे साड़ी अच्छी लगेगी. लोगों को हमेशा लगता है कि इंडियन वेयर पहनने के लिए इंडियनाइज बॉडी होनी चाहिए. तो आज मैं इसके ऊपर ड्रेप करूंगी एंड यू गाइस आर गोना जज इट ये कैसी लगती है. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो सिंस यू आर वेयरिंग अ ब्लैक पेटीकोट आई विल गिव यू अ ब्लैक साड़ी इटसेल्फ एंड इट्स अ वेरी लाइट साड़ी गाइस. ये शिफॉन की साड़ी है. बहुत ही लाइट वेट है. एक्चुअली ये साड़ी न्यू है तो इसमें फॉल नहीं लगा हुआ. बट अगर आप न्यू भी हो साड़ी के लिए तो आई वुड रेकमेंड कि प्लीज फॉल लगा के रखना साड़ी में. उससे ग्रिप अच्छी आती है. साड़ी की फॉल मतलब नीचे से बनी रहती है. आपको चलने से साड़ी खराब नहीं होगी. तो या जस्ट बेस के अराउंड इसको ड्रेप कर लो बर्खा. और क्योंकि तुमने हील्स पहन रखा है थोड़ा सा नीचे. हाँ थोड़ा सा ऊपर कर सकते. तो गाइस माय टेक्निक माय सिंपलेस्ट टेक्निक ऑफ वेयरिंग अ साड़ी वो जो मैं आज बर्खा के ऊपर करने जा रही हूँ. ठीक है अब आपको दूसरा पार्ट साड़ी का लेना है. तो ये पार्ट होता है यहाँ से आपकी एक्चुअली पल्लू बननी शुरू होती है. तो ये पकड़ना बर्खा. तो ये पार्ट जो है ना वो हम यहाँ पे पिन भी कर सकते हो. अब मैं पिन नहीं कर रही. आई जस्ट ड्रेप इट बिकॉज़ एनीवे बर्खा इज नॉट गोइंग आउट. बट आप पिन से सिक्योर कर सकते हो तो आपके लिए बेटर रहेगा. अब मैं पहले सामने वाली प्लीट बनाऊंगी एंड इट्स अगेन वेरी इजी गाइस. दुपट्टे में आपने किया ऑलरेडी ऐसे लेना है. इतना परफेक्शन ढूंढना नहीं है बिकॉज शिफॉन की साड़ी पे बहुत ज्यादा परफेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती. अगर आप सिल्क या कॉटन पहन रहे हो तो परफेक्शन रिक्वायर्ड होती है. मैं थोड़ा आगे आने वाली हूँ बिकॉज बस इसको होल्ड के रहना. मैं पिन ले जा बर्खा ने बहुत पतली पट्टी की ब्लाउज पहनी. बेसिकली इट्स अ क्रॉप टॉप व्हाट शी इज वेयरिंग. आई हैव नो ब्लाउज तो मैं नीचे एक पिन लगा रही हूँ ताकि वो वहां पे सिक्योर्ड रहे. जनरली पिन ऊपर लगाई जाती है. मैं ये ऊपर ही लगाऊंगी और नीचे भी लगाऊंगी ताकि सपोर्ट सही से बना रहे. एंड I have secured this part. Now we'll come to the main pleats. So साड़ी की जो pleats होती है ना यहाँ से start करते हैं. So you have to take one hand like this. You can see मेरी जितनी finger wide हो जा रही है मैं वहाँ तक जा रही हूँ. वहाँ से start करूँगी. Second यहाँ लाना है. फिर से वहाँ वापस जाना है. Okay, just hold it for me. And इसको आपको और आप अगर गाइस यू इफ यू नोटिसिंग आई हैव टेकन स्पेस. इट्स नॉट आई हैव नॉट स्टार्टेड प्लीट्स फ्रॉम हियर. आई हैव टेकन सम स्पेस. मैं बाद में बताती हूं कि मैंने वो स्पेस क्यों लिया है. सेम वाली प्लीट्स भी अगर परफेक्ट नहीं हो तो चलेगा. देखो परफेक्ट होने से ज्यादा अच्छी लगती है साड़ी. बट हम आज के डेट पे स्ट्रीट फैशन वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे इतनी ज्यादा परफेक्शन हम ढूंढते नहीं है. राइट एंड यू बीइंग अ स्ट्रीट स्टाइल मुझे तो बहुत. हाँ सो आई थिंक वी आर डन विद द साड़ी ड्रेपिंग.
आई सी इट्स ऑलमोस्ट डन. सो इसको थोड़ा सा शेप देने के लिए रखो. इफ यू पिन इट इट विल बी मच बेटर. यहां पे शेप आ जाती है ऐसे. सी नाउ यू गॉट द ओनली थिंग. एंड सिंस बरखा पहली बार साड़ी पहन रही है तो आई वुड नॉट रिकमेंड हर हेवी ज्वेलरी. आई विल बी गिविंग हर जस्ट इयर रिंग्स बिकॉज इंडियन वेयर में ज्वेलरी तो रिक्वायर्ड है गाइस. सो here are your earrings. Oh, thank you. So guys, Barkha is ready. Do let me know how did you like this video. और आपको ये simplest outfit I mean साड़ी कैसी लगी इसके ऊपर. और साथ ही साथ मतलब आपको क्या लग रहा है कि एक पतली लड़की साड़ी कैरी कर सकती है या नहीं कर सकती है. जो भी आपका ओपिनियन हो आई विल नॉट माइंड इट. डू लेट मी नो. एंड ऑल्सो आज बरखा सिर्फ ये नहीं पांच और स्टाइल करने वाली है साड़ी की. और वो वीडियो बरखा की इंस्टाग्राम पे जाएगी. सो गो चेक इट आउट. सो गाइज डोंट फॉरगेट टू चेक आउट बरखास चैनल. आई एम लीविंग हर बोथ द लिंक्स हियर. इंस्टाग्राम प्लस यूट्यूब. गो चेक आउट हर वीडियोज बिकॉज आई डू कम ओवर देयर एज वेल. एंड एवरीथिंग इज अबाउट बरखा एंड बरखास थिंग. सो बरखा रिसेंटली गिव मी अ सरप्राइज ट्रीट. सो यू गाइज वांट टू नो वेयर डिड शी टेक मी. व्हाट अ सरप्राइज वाज. तो आप वो चैलेंज आई मीन सॉरी चैलेंज नहीं आप वो वीडियो देखना. और प्लीज हम दोनों को अपना लव और सपोर्ट देते रहना. बाय टेक केयर. बाय.